आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण बीते 2 साल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं मनाया गया था। वही वर्ष 2019 के बाद सार्वजनिक तौर पर योग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश की राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री दोनों ही ने योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया और ये कार्यक्रम राजभवन में निर्धारित किया गया था। योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी योग मानवता के लिए, मानवता के लिए किस रूप में। लगभग 2 वर्ष के बाद इस सामूहिक योगाभ्यास का कार्यक्रम योग दिवस के अवसर पर हो पा रहा है। पूरे विश्व ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को झेला है, देखा है, और कोरोना जैसी महामारी के दौरान सबने इस बात को देखा है कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है वही रोग के सामने टिक पाएगा। भारतीय मनीषा इसी बात को कहती रही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो धर्म के सभी साधन अपने आप ही कर्म दर कर्म सफल होते हुए जाएंगे। लेकिन अगर शरीर आरोग्य नहीं है, शरीर रोगी है, निरोगी नहीं है, तो फिर धर्म का कोई भी साधन आपका सफल नहीं हो सकता। आज पूरे विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी कर्नाटक के मैसूर में लोगों के साथ योग किया। वहीं इस अवसर पर लखनऊ में सीएम योगी ने भी लोगों के साथ योग कर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को संदेश दिया है। तो जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से एक ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें लोग योगाभ्यास करते हुए नजर आए। देवरिया, गाजियाबाद, कानपुर, श्रावस्ती, रायबरेली, सिद्धार्थ नगर की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर लोगों ने बेहद ही बढ़ चढ़ कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास का जो भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें शिरकत की। इस दौरान कपाल भाति, अनुलोम विलोम, ये तमाम कई ऐसे योगा आसन है जो लोगों ने योगाभ्यास के दौरान किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है सारे विश्व को, आज दुनिया के देश निश्चित रूप से योग दिवस के रूप में सारा विश्व मना रहा है। ये सारा श्रेय देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। आज पूरे देश के अंदर हमारे भारत में कोई भी जिला, कोई तहसील, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ योग दिवस न मनाया जा रहा हो। आज पूरी दुनिया के लिए हेल्थ का, हारमोनी का और हैप्पीनेस का एक बेहतरीन गिफ्ट हैम्पर है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से। जैसा कि अभी चहल जी बता रहे थे कि हमने योग के बारे में तो बहुत वर्षों से सुना था, योग हमारे देश की संस्कृति और संस्कार का एक बहुत ही बेहतरीन विरासत। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छा जाने का काम किया है। विशेषकर मैं नमन करूंगा अपने मोदी जी को, अपने योगी जी को, जिनके प्रयासों से सब योग घर घर तक पहुंचा। और कहते हैं कि करें योग और रहें निरोग, इस परिभाषा को सार्थक करते हुए समझा जितना जागरूकता युवाओं से लेकर प्रौढ़ से लेकर बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, हर क्षेत्र में इस योग की एक सामाजिक और अपना धार्मिक सब चीज़ों को भूलते हुए घर घर योग पहुंचने का जो काम किया, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा। योग का अर्थ है कि हम अपने मन और आत्मा और शरीर को जोड़कर प्रसन्न रखें और एक सद्भाव कायम रखें। जैसा भी हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग अपने स्वयं के प्रति,
परिवार के प्रति, समाज के प्रति, लोकहित लोक कल्याण के प्रति एक निष्ठाभाव रखें और सम व्यवहार करें। योग के माध्यम से हम अपनी आत्मा को जागृत करें। व्यष्टि से समष्टि की ओर, व्यक्ति को समाज की ओर जाना, समाज से देश, देश से राष्ट्र को जोड़ने का काम योग ने किया है और योग हमारे भारतीय सभ्यता में रचा बसा है और योग से ही सारी क्रियाएं सिद्ध होती हैं, योग से ही सारे काम सिद्ध होते हैं। योग हमारे देश को और व्यक्ति को महान बनाने का काम कर रहा है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आपके चैनलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई देना चाहता हूँ। तो योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तन और मन दोनों एक लाइन में होते हैं, एक अलाइनमेंट में होते हैं, आपस में मिलते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब तो पूरे विश्व में ये योग दिवस मनाया जा रहा है। आज उसी अवसर पे मैं यहाँ पे आया हूँ। वो तो जिलाधिकारी बताएगी कि कितने लोग जुटे थे, पर हमने जो यहाँ पे देखा, जितने लोग अभी सीढ़ियों में थे, सब में खूब उत्साह था और काफ़ी उत्साह से सबने भाग लिया। आंकड़े जब इकट्ठे होंगे तो आपको बता दूँ। देखिए, योग जो है हिंदुस्तान की विरासत है और बहुत समय तक ये लुप्त रही या लाइमलाइट में नहीं आ पाई। हम सबको इस बात का आभारी होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान हासिल हुई और वो एक बात जो कभी घरों में और ये माना जाता था कि जो सन्यासियों का पद्धति है योगा, उसको जनमानस तक पहुंचाने में इसकी उनकी महती भूमिका रही। योग दिवस के इस शुभ अवसर में माननीय मंत्री जी और हमारे सभी जनपदवासी यहाँ पर उपस्थित रहे रविंद्र शाही स्टेडियम में, और जैसा आप लोगों ने देखा जो योग का प्रोटोकॉल है, योग करें, निरोग रहें, उसके लिए हम लोगों ने आसन किए और अच्छी जन सहभागिता इस कार्यक्रम में रही माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में। और आप सभी को और सभी जनपदवासियों को भी योग दिवस की पुनः शुभकामनाएं। इस बार शासन के निर्देश थे कि योग दिवस न करके योग सप्ताह मनाया जाए, उसके तहत 14 तारीख से ही हम लोग योग सप्ताह मना रहे हैं। उसके तहत हम लोगों ने एक यमुना तट पर प्रकृति गोद में योग किया था। एक दिन हम लोगों ने जो यहाँ का ऐतिहासिक धार्मिक स्थल देवकली है वहाँ पर किया था। ऐसे जो हमारे मनरेगा के मजदूरों मनरेगा स्थल पर करते हैं, स्वयं सभी महिलाएं अपना प्रोडक्ट बना रही हैं उसके पहले बैठ के करती हैं। हर स्कूल में, हर आश्रम में, हर ऑफिस में 5 मिनट 10 मिनट योग करने के बाद ही कोई कार्य होता है। तो ये हम लोग कोच कर सकते हैं, ये सिखाए जाने का कार्यक्रम होता है। हम लोगों ने इसी क्रम में, मैं बताऊं आपको कि 30,000 से ज़्यादा योग शिक्षकों को ट्रेन किया है इन पूरे एक महीने में। ये एक महीने में जो हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया था और उन्हीं को सभी ग्राम पंचायतों में भेजा है, जिससे कि हमारी सभी लोगों को योगाभ्यास के बारे में जानकारी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम महाविद्यालय परिवार एवं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के द्वारा महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों में योग के प्रति चेतना को विकसित करना है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा पूरे भारतवर्ष को और अब खासकर अपने प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित किया। और ये जो है निश्चित रूप से योग क्रिया एक जो है सर्वश्रेष्ठ क्रिया है, दुनिया में इससे बेहतर कोई क्रिया नहीं है। इसका प्रमाण हमारी श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 18वें अध्याय में सौम ऋषि महाराज की कथा आती है। सौम ऋषि महाराज ने यहाँ सुंडक पे 10,000 वर्ष योग क्रिया के द्वारा ही 10,000 वर्ष तपस्या की। 10,000 वर्ष तक अगर उम्र को बढ़ाया जा सकता है योग से, तो वो योग से ही संभव है। योग महोत्सव का कार्यक्रम BSA डिग्री कॉलेज के ग्राउंड मथुरा में मनाया जा रहा है। यद्यपि पूरे विश्व में आज योग दिवस मनाया जा रहा है, पतंजलि योग समिति की तरफ से भी 600 जिले, 5,000 तहसील, 1,00,000 गांव में अनगिनत लोग भाग लेके एक योग दिवस मना रहे हैं। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो पूज्य महाराज जी और आदरणीय माननीय मोदी जी का ये आग्रह था कि हम 75 ऐसे स्थानों पर योग के भव्य कार्यक्रम, दिव्य कार्यक्रम करें जिनकी एक बड़ी मान्यता है। मान्यता चाहे भक्ति शक्ति की है, कोई धार्मिक मान्यता है, तो उसी क्रम में आज मथुरा में ये सुबह 5:30 से कार्यक्रम हो रहा है। बुलंदशहर के जिला कारागार में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और बंदियों द्वारा अलग अलग जगहों पर योगाभ्यास में प्रशिक्षित योग गुरुओं के निर्देशन में इस दौरान जो जेल के कर्मचारी है, जो जेल के कैदी है, उन सभी ने इस योग कार्यक्रम में भाग लिया।
आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कारागार में भव्य और विराट योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री श्री सुनील कुमार, प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री भूले राम के द्वारा किया गया। इस भव्य कार्यक्रम को कई टोलियों में कई स्थानों पर आयोजित किया गया, जिससे कि सभी अधिकारी कर्मचारी और सभी महिला और पुरुष बंदी इसमें भाग ले सकें। आज पूरे विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उसी क्रम में रामनगरी अयोध्या में सरयू तट स्थित राम की पौड़ी पर देश के 75वें आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर आयोजित दीपोत्सव के तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और राम की पैड़ी में 5000 लोगों ने एक साथ योग किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योग से न कि शारीरिक विकास बढ़ता है बल्कि समाज में भी एक अनुशासन स्थापित होता है, इसलिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए जिससे हम सब स्वस्थ रह सकें। ये बहुत ही अद्भुत संयोग था कि हम लोग सरयू के किनारे राम की पैड़ी पे सभी लोग अयोध्या के सारे लोग मिलकर के आज हम लोगों ने योग और प्राणायाम किया और ये पूरी दुनिया में जो हमारी पुरानी परंपरा थी योग की प्राणायाम की उसको स्वीकारोक्ति मिली है। पूरी दुनिया लगभग 197 देश हैं यूनाइटेड नेशंस में और सारे देशों ने एक मत से योग को स्वीकार किया है और अपने जीवन का अंग बनाया है। आज योग दिवस के अवसर पर जो अयोध्या में योग का आयोजन हुआ है हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या में आकर भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर योग करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। बड़ी संख्या में जिस प्रकार के अयोध्यावासी हमारे सांसद और स्थानीय लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया इस बात को दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये योग दिवस के माध्यम से पूरे विश्व में एक जागरण का कार्यक्रम हुआ है, स्वास्थ्य के प्रति चेतना के जागरण का कार्यक्रम हुआ है, इसमें सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। जिला कारागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन हुआ। सभी बंदियों को योग करने के साथ साथ बताए गए योग के फायदे और सभी बंदियों में योग के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला और कार्यक्रम की शुरुआत जेलर पीके सिंह ने गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ की। इस मौके पर जेल प्रशासन और अलीगढ़ व हाथरस के न्यायाधीश भी मौजूद रहे और उन्होंने बंदियों के मनोबल बढ़ाने में भी हिस्सा लिया। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर हमारे जेल में पतंजलि सेवा समिति के द्वारा बंदियों के बीच हम लोगों के साथ योगाभ्यास कराया गया। इस शुभ अवसर पर हमारे ऑनरेबल सीजीएम साहब, सचिव साहब अलीगढ़ व हाथरस जनपद के एसीजीएम साहब, सचिव साहिबा अपने पूरी वॉलंटियर टीम के साथ भाग लिया। महिला बैरक में भी महिला योग पतंजलि के सदस्यों द्वारा वहां भी योगाभ्यास कराया गया। फरीदाबाद के बुढ़ाना गांव में लोग गंदगी से बेहद परेशान हैं, जहां तालाब का गंदा पानी पूरे गांव की सड़कों पर फैला रहता है। यहां तक कि सरकारी स्कूल में भी पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी होती है। वह इस मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बुढ़ाना गांव है, यहाँ ये पानी का तीसरे दिन की समस्या है, कभी सॉल्व नहीं हो रहा। ज़्यादा पानी भर जाता तो पंप वगैरह वगैरह थोड़ी देर चला के फिर वही प्रॉब्लम खड़ी रहती है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। ये कोई नरेश पार्षद है यहाँ के, तो विकास कार्य नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जी, सब एकदम। ये बुढ़ाना का गुजर चौक जो मेन हमारे सरकारी स्कूल के सामने से जा रही है और यहाँ पे पर डे दिक्कत ही रहती है, थोड़ा सा पानी आता ही पूरा फ्लाईओवर बन जाता है। यहाँ पे लोगों के कपड़े सनते हैं। किसकी जिम्मेदारी है और किसकी लापरवाही मानते हैं इसके चलते इतना? सर पहले तो सरकार की लापरवाही है, दूसरी हमारी भी कुछ है, क्योंकि हम
ऐसे लोगों को सुन देते हैं जो काम के ही नहीं है कुछ। पानी हुई है स्कूल में, पानी है, बच्चे भी बीमार हो गए बहुत, काफी बच्चे बीमार हो गए, किसी को बुखार हो जाता, किसी क्या हो जाता, इसमें गंदगी हो जाता, इसकी सफाई नहीं करवा रहे। तो कौन पार्षद है और किसकी जिम्मेदारी बनते है? नरेश लम्बरदार पार्षद है, उसकी जिम्मेदारी है, और नरेंद्र गुप्ता की भी ऊपर MLA है, उनकी भी वो है, वो भी कुछ गौर नहीं कर रहे यहाँ पर। ये बुढ़ैना है, बुढ़ैना गांव है, यहाँ पर ये जो मेन रोड है बुढ़ैना के लिए जो एंट्री करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल सामने है और गवर्नमेंट स्कूल जो है पूरा पानी, आप देख सकते हैं पानी से भरा हुआ है पूरी तरीके से, ये पूरा तालाब बना हुआ है। यहाँ जो पूरे गांव का जो पानी आता है वो रोड पर खड़ा हुआ है और इसमें आने जाने वाली सवारियाँ वो सब परेशान है। स्थानीय पार्षद कोई ध्यान नहीं देते इस तरफ? इस तरफ कोई किसी का कोई ध्यान नहीं है। सीवर लाइन गांव में कुछ एरिया में डली है, कुछ एरिया में नहीं डली है, और ये सीवर लाइन है ये मुझसे बहुत पहले डल गई थी और कुछ एरिया मैंने भी डाली है, और अब जो है हमने अब नई सीवर लाइन पास कराई है जो फिरनी पर अब डलने वाली है। 60 लाख रुपए की लागत से माननीय सांसद जी की आशीर्वाद से उसमें एक STP भी गाँव बढ़ाने में लगाया है, तो STP लगभग बनकर तैयार हो गया, उसको इंस्टॉल भी कर दिया है, बस कनेक्शन करके उस कनेक्शन करने की उसकी देर है। निगम अधिकारियों को मैंने कई बार बोला कि कनेक्शन बहुत फास्ट होने चाहिए, करना चाहिए आपको, थोड़ी सी उसमें वो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, कोताही बरत रहे हैं, क्यों बरत रहे हैं पता नहीं। और मैंने दोबारा भी कल मामला संज्ञान में लाया है कि भाई इस जो STP बना हुआ है इसको फटाफट चालू करो ताकि जो गाँव का पानी है वो STP के माध्यम से उसको जो है कहीं ना कहीं इसको जो है किसी और उसमें डाला जाए। लखीमपुर खीरी के कोतवाली तिकोनिया क्षेत्र के ग्राम खरेटिया में जहां 3 दिन पहले मंदिर के बाहर घात लगाकर बैठे टाइगर ने एक मंदिर के पुजारी को अपना निवाला बना लिया था, तो वहीं अब एक टाइगर ने खरेटिया गांव में एक गरीब किसान राकेश के घर में घुसकर उसके घर के अंदर बंधी गायों और बछड़ों को अपना निशाना बना लिया। वह इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन तब तक टाइगर जंगल की ओर भाग चुका था। हरियाणा सरकार द्वारा नशे पर लगाम लगाने के लिए फरीदाबाद में पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ये जागरूकता वैन विभिन्न स्थानों पर जाकर आमजन को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करेगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराना है, क्योंकि नशा करने से न केवल धन की क्षति होती है बल्कि कई बीमारियां भी इंसान के शरीर के अंदर घर कर जाती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 26 जून को इंटरनेशनल डे फॉर ड्रग अब्यूज़, इंटरनेशनल डे फॉर एंटी ड्रग अब्यूज़ है, तो उसी के सिलसिले में पूरा पखवाड़ा पूरा देश मना रहा है और हम भी फरीदाबाद पुलिस भी उस पखवाड़े को मना रही है। लेकिन ये पखवाड़ा की तरह नहीं है, ये एक मिशन की शुरुआत है, और इस मिशन की शुरुआत में हमने जो हरियाणा नशा मुक्त हरियाणा की तरफ इसको हमने ले कर जा रहे हैं, इसमें हमने एक तो सबसे पहले तो एक फिल्म लॉन्च की है फरीदाबाद पुलिस की तरफ से, और वो हम ऑलमोस्ट सारे फरीदाबाद में, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में और हर झुग्गी झोंपड़ी में उस फिल्म को दिखाएंगे। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।